पवन सिंह नाम सुनकर फ्लावर समझे हैं क्या? पवन सिंह फ्लावर नहीं, फायर है फायर। और पवन सिंह का जलवा बॉलीवुड में भी देखने को मिल रहा है। और पवन सिंह ने एक बार स्टेज शो में हंसी हंसी मजाक मजाक में कहा था कि जिस प्रकार से हम लकीर खींच देते हैं, जो हम लकीर खींच देते हैं उसी पर रेंगते रहते हैं लोग। और पवन सिंह ने बॉलीवुड में जाकर भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक बार फिर से लकीर खींच दिया है। और हमको लगता है कि इस लकीर को मेटना जो है वो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि पवन सिंह ने बॉलीवुड में एक ऐसा गाना गाया है जो पूरी तरीके से तहलका मचा रहा है। उसको हिंदी भाषी लोग भी सुन रहे हैं, भोजपुरी भाषी लोग भी सुन रहे हैं, और वो YouTube सेक्शन में ट्रेंडिंग सेक्शन में, YouTube के ट्रेंडिंग सेक्शन पर वो गाना कभी दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है तो कभी तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है, और वो गाना इस वक्त चर्चा का विषय बना है। दरअसल स्त्री 2 नामक एक फिल्म आ रही है और पवन सिंह को उसमें गाने के लिए चूज किया गया, और पवन सिंह ने जब उस गाने को गाया तो वहां पर उस गाने के बोल सुनकर जो है लोगों का दिल खिलखिला गया। और पवन सिंह ने फिर से एक बार बॉलीवुड में जाकर, जो है हिंदी फिल्म में जाकर गाना गाकर जो है एक बार फिर से लकीर बना दिया है। पवन सिंह जो है अपने गानों की वजह से, अपने सुर की वजह से जाने जाते हैं, और पवन सिंह की चर्चा जो है हर बार कहीं ना किसी तरीके से होती रहती है। जब वो अंबानी के शादी में पहुंचते हैं और इसके बाद लॉलीपॉप लागेलू गाना गाते हैं तब भी बिहार में चर्चा होता है, और जब वो स्त्री 2 नामक फिल्म में जो है गाना गाते हैं और गाना यूट्यूब ट्रेंडिंग सेक्शन के तीसरे नंबर पर ट्रेंड करने लगता है तब भी उनकी चर्चा होती है। इसीलिए पवन सिंह ने शायद से कहा था कि जो लकीर हम खींच देंगे उस लकीर पर जो है लोग रेंगते रहेंगे। पवन सिंह ने बता दिया कि वो चुनाव बेशक लड़े हों, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद जो है वो जब बॉलीवुड में गाना गाएंगे तो उसकी चर्चा जोर शोर से होगी। वैसे तो पवन सिंह के भोजपुरी गाने जो हैं वो लगातार ट्रेंड करते रहते हैं, कभी 1 नंबर पर, कभी 2 नंबर पर, कभी 3 नंबर पर। लेकिन पवन सिंह ने जब बॉलीवुड में गाना गाया, स्त्री 2 फिल्म में जो गाना गाया जिसमें पंकज त्रिपाठी भी रोल कर रहे हैं, तो वो गाना जब यूट्यूब ट्रेंडिंग सेक्शन में आया तो बिहार के लोगों का जो है वो चेहरा खिल गया। उन्होंने कहा कि हां, पवन सिंह ने एक बार फिर से लकीर बना दी है और उस लकीर पर जो है लोग अब फिर से रेंगेंगे। अब रेंगेंगे या नहीं रेंगेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन पवन सिंह ने हिंदी भाषी मूवी में यानी हिंदी फिल्मों में जाकर गाना गाकर यह बता दिया कि भोजपुरी का यह पावर स्टार किसी से कम नहीं है, और अगर भोजपुरी गाने की बारी जो है हिंदी फिल्मों में आएगी तो पवन सिंह को जरूर बुलाया जाएगा। से तो भोजपुरी कलाकारों के बारे में हरदम अनर्गल ही बातें की जाती हैं और कहा जाता है कि जो है ये भोजपुरी के कलाकार अश्लीलता फैलाने में माहिर हैं, ये कोई सलील काम नहीं करते हैं जिससे इनकी जो है प्रशंसा और चर्चा हो। लेकिन पवन सिंह ने बॉलीवुड में गाना गाया और गाना गाकर जो है एक पॉजिटिव चर्चा का विषय बन गए। सबसे बड़ी बात यह है कि पवन सिंह के बारे में कहा जाता है कि पवन सिंह को इस भोजपुरी समाज ने, इस भोजपुरी भाषा ने वो सब कुछ दिया जो पवन सिंह डिजर्व करते थे। लेकिन पवन सिंह ने आखिर भोजपुरी भाषी लोगों को क्या दिया, बिहार के लोगों को क्या दिया? लेकिन पवन सिंह ने आज वो काम कर दिखाया है और एक ऐसा चीज दे दिया जिससे भोजपुरी का और बिहार का नाम जो है बॉलीवुड में जाकर रोशन हो गया है। आपको पता है कि 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को शामिल करने के लिए सांसद रवि किशन संसद भवन के अंदर निजी बिल जो है पेश करते हैं और वो दरख्वास्त करते हैं सभापति से कि भैया जो है इसका भोजपुरी भाषा को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। और आज जब उसी भोजपुरी भाषा का एक कलाकार यानी पवन सिंह जब बॉलीवुड में जाकर गाना गा रहे हैं तो हमको लग रहा है कि भोजपुरी का जो कद है वो सच में और ऊपर हो गया है और मान और सम्मान जो है भोजपुरी का और बढ़ गया है। और यही कारण है कि पवन सिंह के इस गाने पर बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार, हीरो हीरोइन और एक्टर एक्ट्रेस अदाकारा जो है वो ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। पवन सिंह ने इतनी बखूबी इस गाने को पेश किया है कि जो बॉलीवुड के जो स्टार हैं, जो कलाकार हैं, जो अदाकारा हैं, वो लोग इस गाने पर थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं और नाच नाच कर जो है इस गाने पर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हमको लगता है कि पवन सिंह ने जो है एक बार फिर से बॉलीवुड में जाकर भोजपुरी गाना गाकर जो है एक लकीर खींची है। और पवन सिंह के इस गाने को आपको भी देखना और सुनना चाहिए और बताना चाहिए कि पवन सिंह ने क्या सच में अच्छा कार्य किया है, क्योंकि पवन सिंह या खेसारी लाल यादव के बारे में सिर्फ एक ही चीज बोली जाती है कि ये लोग जो है अश्लीलता फैलाते हैं, इनका कोई कद नहीं है, इनकी कोई मान और सम्मान, कोई मर्यादा नहीं है। लेकिन विगत कुछ महीनों में खेसारी हो या पवन हो, सब ने भोजपुरी का नाम बढ़ाने का काम किया है और अब जो छोटे कलाकार हैं, जो टुटपुंजिया कलाकार हैं, जो अश्लील गा गाकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उन कलाकारों को भी पवन और खेसारी से सीखने की जरूरत है कि सलीलता के साथ आगे बढ़ेंगे तो उनका भी मान और सम्मान होगा। बाकी पवन सिंह के बारे में और पवन सिंह के इस गाने के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।